काफी सारे शोज लगातार हारने के बाद रॉनी कोलमैन ने अचानक से ऐसा क्या किया कि वो 8 बार लगातार मिस्टर ओलंपिया जीत के आज की डेट में एक लेजेंड बन चुके हैं। हफ्ते में 6 दिन ट्रेनिंग करने के बाद भी वो 24 इयर्स की एज से लेकर 30 इयर्स तक कोई भी शो नहीं जीते थे, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान रहा करते थे। पर एक दिन उन्हीं के कॉम्पिटिटर फ्लेक्स व्हीलर ने उनसे कहा कि वो अपने कोच से बात करें, जिसके बाद चैड निकोल्स ने उनको स्टेरॉइड से इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके बाद से तो मानो रॉनी कोलमैन की लाइफ ही चेंज हो गई। वो जहाँ 1 घंटे कार्डियो किया करते थे, वहाँ पे वो 2 घंटे कार्डियो करने लगे। वो दिन भर में जितना खाना खाते थे वो उसका डबल खाना खाने लगे और उनका प्रोटीन इंटेक भी 400 ग्राम से 600 ग्राम तक बढ़ गया। उनके वर्कआउट की ओवरऑल इंटेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। अब ऑफकोर्स उनके जेनेटिक्स पहले से ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, पर स्टेरॉइड्स के यूज के बाद उन्होंने आने वाले 10 सालों में अपने बॉडी में 46 kg प्योर मसल्स गेन किए थे। एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री।